नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं पंजाब का महा ओपनिंग पोल यानी कि एक जनता सर्वे आप सभी के लिए एक बार फिर से। दोस्तों, यहां पर बात करने वाले कि पंजाब के अंदर किसकी बनने जा रही सरकार। दोस्तों, यहां पर चार पार्टियां मौजूद है। चार पार्टियों में से दोस्तों यहां पर आम आदमी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी, यहां पर ये चारों पार्टियां मौजूद है और चारों पार्टियों के बीच में एक बड़ी टक्कर होने वाली है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता सर्वे के हिसाब से किसकी बन सकती है सरकार पंजाब के अंदर। दोस्तों, जनता सर्वे देखा जाए तो कहीं भी अटपटा सा और अजीब सा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आम आदमी पार्टी, अकाली, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बराबर का इश्यू मिले, ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चारों पार्टियां काफी मजबूती से खड़ी हैं और इस मजबूती को बनाए रखने के लिए चारों पार्टियां कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अजीबोगरीब अब वादे भी जारी हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, कांग्रेस ने आम आदमी के वादे चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने उन वादों के ऊपर फिर से मुद्दा उठाया जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी भागीदारी दे रही है। दोस्तों, जहां पर कांग्रेस की रणनीति आम आदमी की रणनीति से दो कदम आगे चल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी अपनी नई रणनीतियों को जो कि दिल्ली में आजमाती उन रणनीतियों को यहाँ पर यूज रहा है। पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार उन्हीं वादों को बड़ा चढ़ाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब के सामने ला रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपने वादों से अपने आप को नुकसान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वादे कांग्रेस आम आदमी पार्टी करती है यहाँ पर उसको बड़ा चढ़ाकर कांग्रेस यहाँ पर फिर से दोबारा कर देता है और यहाँ पर पंजाब से जनता सर्वे के मुताबिक भी काफी अच्छी प्रभावित बना रही। पर दोस्तों यहाँ पर और के वादे चुरा कर तो सफलता हाल नहीं लगने वाली। पर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अकाली और बीजेपी का जो टूटा हुआ गठबंधन है, कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू चेहरे की तलाश में जुटकर कहीं ना कहीं अकाली के जो एक गठबंधन है बीसपा के साथ उसे गिराना चाहती है, उसका संतुलन बिगाड़कर कहीं ना कहीं अपनी लीड को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर अकाली ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब तो कुछ करने वाली, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार भी 10 साल से केंद्र में राज करने वाली पार्टी है और 10 साल से केंद्र में राज करने वाली पार्टी कभी ऐसे छोड़ नहीं सकती किसी को। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि क्या अकाली का गठबंधन बीजेपी तोड़ सकती है नहीं। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े वादे जड़ दिए यहाँ पर। और सबसे बड़ा वादा कांग्रेस का ये कि पंजाब के अंदर 200 से 500 वार्ड फ्री देने के लिए बात कह दी है। पर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि आम आदमी ने पहले दावा किया था कि वो 100 से 300 वार्ड तक बिजली फ्री देने वाली है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने उसी वादे को बड़ा चढ़ाकर आगे किया है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब चुनाव 2022 का सीएम कौन होगा ये भी देखेंगे हम। तो जनता सर्वे की बात करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, इससे मैं आपको ओपनिंग पोल से तमाम संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट से अगव रहेगी। पर दोस्तों, अभी तक आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट नहीं किया है तो अभी कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भी एक छोटा सा कमेंट कर दे कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस, आम आदमी, अकाली, बीजेपी या अन्य, इन चारों पार्टियों से आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं अपने कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देगा। पर दोस्तों, यहीं पर हम जान लेते हैं अब एक एक जिले वाइज बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अमृतसर 11 सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 11 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शुरुआती लीड है। वहीं आम आदमी बराबर का 4 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अकाली को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ हम बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में दोस्तों पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली भी 1 सीट अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, पर दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ हम फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अकाली को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में इस बार 0 सीट जाएगी तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब की 21 सीटों के बारे में बात कर ले, तो 21 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 9 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 7 सीटों की शुरुआती लीड है। तो यहाँ पर अकाली को 4 सीटें मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर हम फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी को 0 सीट मिलती है, अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम फतेहगढ़ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 1 ही सीट मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है तो अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों की एससी का सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अकाली को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि चाहे बहुमत यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, पर दोस्तों अन्य खाते में भी 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब की 34 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 34 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 16 सीटों की शुरुआत अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली 7 सीटों की लीड लेकर बैठी हुई, यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अन्य खाते में 0 और इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले, यहाँ पर पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में बिल्कुल 0
जीरो सीट है। यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में एक सीट जा रही थी, यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 7 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 5 सीटों के 81 लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अकाली को यहाँ पर बिल्कुल जीरो सीट मिल रही थी, यहाँ पर बीजेपी को भी बिल्कुल जीरो सीट मिल रही है और अन्य खाते में भी बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जालंधर की 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 9 में कांग्रेस खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई देते हैं। यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिल रही तो बीजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब की 53 सीटों के बारे में बात करें, 53 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 27 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 15 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अकाली को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी 3 सीटें लेकर अपना नाम आगे कर चुकी है, तो अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब के अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मानसा की हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 की सीट मिल रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को भी बिल्कुल जीरो सीट मिल रही है, तो इसी के साथ बीजेपी को भी बिल्कुल जीरो सीट, तो अन्य खाते में भी जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों मोगा की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जीरो सीट मिल रही है और यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी खाते में फिर से जीरो सीट है, तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में दोस्तों यहाँ पर चारों पार्टियों को 1-1-1-1 सीट का पूर्ण बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम पंजाब की 42 सीटों के बारे में बात करें, तो 42 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 42 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जो कि 21 सीट लीड है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 11 सीटें ही मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 5 सीटें हैं और अन्य खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों हम नवान शहर की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट ही मिल रही है। यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट है, तो बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, पर दोस्तों अन्य खाते में भी 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पटियाला की 8 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर 8 सीटों में से कांग्रेस खाते में 5 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 तो अकाली को भी 1 सीट मिल रही है, पर यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट मिलेगी, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, पर यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिल रही है, तो बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की हम यहाँ पर 96 सीटों के बारे में बात करें, 96 यहाँ पर कांग्रेस खाते में 46 सीटों का खासा बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अकाली खाते में 12 सीटें हैं, पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो अन्य खाते में भी 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर संगरूर की हम 8 सीटों के बारे में बात करें, तो 8 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों का खासा बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही है, यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट है और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का खासा बहुमत है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें पूर्ण रूप से मिल रही है, पर अकाली को यहाँ पर बिल्कुल 0 सीट है, तो बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम मोहाली की 3 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली तीनों पार्टियों को 1-1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब की हम 115 सीटों के बारे में बात करें, तो 115 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 58 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी खासी लीड है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 33 सीटों की लीड मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 16 सीटें मिलती, तो बीजेपी को भी 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम बरनाला के लास्ट जिले के बारे में बात कर ले, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 2 की सीटें हैं, 2 की 2 ही सीटें कांग्रेस खाते में अपने आप जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी, अकाली, बीजेपी और अन्य जैसी पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यहाँ पर पंजाब की 117 सीटों में से टोटल सीटों के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर कांग्रेस 60 सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 33 सीटें मिल रही है और अकाली को यहाँ पर 16 सीटें, यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 60 सीटें हैं और यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 107 सीटों को 17 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 60 सीटों के साथ अपनी जीत को आगे बढ़ा सकती है और यहाँ पर जीत का आगाज कर सकती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 33 सीटों की लीड लेकर बैठी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आज जनता सर्वे होता है और जनता सर्वे के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव के अंदर आज के जनता सर्वे के मुताबिक कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है और यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ कुछ नया कर सकती है और यहाँ पर आम आदमी को 33 सीटों की बढ़ोतरी मिल सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें से किसी भी पार्टी की प्लस भी हो सकती है, क्योंकि जनता सर्वे और ओपिनियन पोल इतने स्टिक नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इनके ओपिनियन पोल के अंदर ज्यादा ऊंच नीच तो होती है थोड़ी बहुत। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं 60 सीटें मायने रखती है कि जनता सर्वे के मुताबिक 60 सीटें देना मतलब कि परसेंटेज निकाल कर ही हम सीटें देते हैं। आपको हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन में जाकर देख लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगी हमारे पोल की जानकारी।
करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट से अगव रहेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट नहीं किया तो अभी कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। आप अपनी पार्टी का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।